आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय में नगर निगम के वार्ड के आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की मौजूदगी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए रतलाम नगर निगम और अन्य नगर परिषदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। रतलाम नगर निगम के सभी 49 वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। आरक्षण के बाद वार्डों की तस्वीर साफ हुई, जो इस प्रकार रही। वार्ड क्रमांक 5, 6, 8, 22, 38, 48, 43, 37, 40, 41, 45 और 46 अनारक्षित मुक्त रहेंगे। वार्ड क्रमांक 4, 7, 9, 12, 13, 14, 33, 19, 27, 36, 39, 49, 50 अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए। वार्ड क्रमांक 11, 15, 16, 18, 29, 34 और 47 ओबीसी मुक्त आरक्षित की गई है। वार्ड क्रमांक 20, 25, 26, 28, 30, 35, 43 और 44 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई। वार्ड क्रमांक 1 और 31 एससी मुक्त एवं वार्ड क्रमांक 2 और 21 और 32 एससी महिला के लिए आरक्षित किए गए। वार्ड क्रमांक 17 एसटी मुक्त, वार्ड क्रमांक 10 एसटी महिला के लिए आरक्षित किए गए। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के नेता सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम के आरक्षण के बाद शहर कांग्रेस में निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर को पत्र सौंपकर महिला आरक्षण में नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 के उल्लंघन की शिकायत की है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां बुधवार से शुरू हो गई। राजनीतिक दल भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हैं। टिकट की होड़ में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 अंतर्गत बुधवार को जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की प्रक्रिया जिला पंचायत में की गई। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की उपस्थिति में अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने प्रक्रिया सम्पन्न की। रतलाम जिला पंचायत और जनपद पंचायत की आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिले के रतलाम, पिपलोदा, आलोट जनपद के अध्यक्ष पद अनारक्षित रहे हैं, जिसमें आलोट जनपद अनारक्षित महिला अध्यक्ष पद के लिए हैं। बाजना जनपद अध्यक्ष पद एसटी, सैलाना जनपद अध्यक्ष पद एसटी महिला आरक्षित, जावरा जनपद अध्यक्ष पद एससी महिला आरक्षित किए गए। जिले के सरवन स्थित जीनिंग फैक्ट्री के सामने बुधवार सुबह एक युवती अचेत अवस्था में पाई गई। फुफेरे भाई ने युवती की शक्ल देखी तो वह चौंक गया और उसे गंभीर हालत में सरवन अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में उपचार के पश्चात युवती ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में शव का पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। 2 दिन पूर्व युवती ग्राम चावड़ा खेड़ी स्थित नाना तोलिया डिंडौर के ग्राम लूणी स्थित मां के घर पर जाने का कहकर अकेले निकली थी। मृतिका 18 वर्षीय पूजा पिता कालू डोडियार के फुफेरे भाई खातू डिंडौर निवासी चावड़ा खेड़ी ने बताया, बुधवार सुबह वह सीमेंट खरीदने सरवन जा रहा था। सुबह करीब 8 बजे पूजा अचेत अवस्था में जिनिंग फैक्ट्री के सामने सड़क किनारे अचेत अवस्था में पाई। पूजा को खातू ने पहचानने के बाद उससे अस्पताल लेकर उपचार कराने की बात कही। खातू अचेत अवस्था में उसे सरवन अस्पताल लेकर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। उपचार के दौरान पूजा ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में पूजा के शव का पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया गया। सरवन टीआई अशोक ननामा ने बताया कि सरवन अस्पताल में पूजा की हालात बयान की स्थिति में नहीं थी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहते हो? किसने पॉइजन खाया? जहर किसने खाया है? जहर मेरे बुआ के लड़की ने। क्या नाम है उनका? पूजा। अच्छा, किस समय की हालत है? घटना किस समय की? 8 और 9 के बीच में। कहाँ मिली थी वो? जिन के सामने। अच्छा, आप कहाँ सरवन काम से गए थे? सीमेंट की बोरी लेने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किया। ठीक है, फिर सरवन इलाज कराया, करवाया। फिर वहाँ से यहाँ रतलाम रेफर किया। यहाँ पर अब क्या है? कुछ भी नहीं है, पोस्टमार्टम करवाने के लिए। कहाँ के लिए गई थी ये लड़की? घर से क्या कह के निकली थी? तो घर से दे के निकली सर के घर जा रही हूँ करके। किसके घर जा रही है? उसके, मेरे घर जा रही है करके। कितने दिन से गायब थी? 2 दिन से।
शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नो सिंगल यूज नो पॉलिथीन अभियान जागरूकता अभियान के तहत बुधवार सुबह नेहरू स्टेडियम से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में शरीक लोग अपने दुपहिया वाहन से शहर की सड़कों पर निकलते नजर आए। रैली नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः नेहरू स्टेडियम पहुंची। यहां रैली का समापन समारोह पूर्वक किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा, नगर निगम के सफाई के सभी सिपाही है, ये आज पूरे रतलाम शहर को और रतलाम शहर के माध्यम से पूरे देश के लिए ये एक संदेश है कि आज से हम सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। आज शानदार जो रैली आयोजित हुई, जिसमें कि हमने साइकिल रैली का आयोजन किया था, लेकिन साइकिल सवार कम होने के कारण बाइक सवारों को भी हमने तुरंत शामिल किया और शानदार रैली आयोजित हुई। रैली की थीम थी नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन अभियान, नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन अभियान। उद्देश्य यह है कि रतलाम शहर में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। सभी लोग जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है वो प्लास्टिक जो कप के रूप में, गिलास के रूप में, प्लास्टिक आपका प्लेट के रूप में एक बार उपयोग किया जाता है, इसके बाद फेंक दिया जाता है। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज किया और इसके बाद फेंक दिया, जिसको यूज एंड थ्रो भी कहा जाता है। तो ऐसा प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है पहले से ही प्रतिबंधित चला आ रहा है, सभी को ये जानकारी होना चाहिए। दिसंबर 21 से ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जुलाई 22 में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। नेहरू स्टेडियम में आयुक्त झारिया ने साइकिल चलाकर रस्म अदायगी भी की। बड़बड़ स्थित हनुमान मंदिर पर कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में किसान मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा टिफिन पार्टी बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया ने अपने संबोधन में कहा, किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी ये विशेष ध्यान रखें कि किसानों को कहीं भी विशेष रूप से मंडी में हो रही समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपस्थित रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे जिसने फसल बीमा का लाभ लिया है, जिसके किसान के 8 साल सफलता पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम 1 तारीख को किसान मोर्चे को दिया है। सौभाग्यशाली है जितने भी किसान इतने से कार्यक्रम आते हैं मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाह ने 29 तारीख को होने वाली प्रधानमंत्री की मन की बात को मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों को एकत्रित कर प्रभावी रूप से सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर इस उपलक्ष्य में 1 जून को हितग्राही सम्मेलन आयोजित कर फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का सम्मान करे। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।